नमस्कार, स्वागत है आप तमाम दर्शकों का लोक आवाज़ में और मैं हूं आपके साथ अनु मिश्रा। इस वक्त मैं बिहार के बिहार शरीफ में खड़ी हूं। अगर आपको कभी मौका मिले तो बिहार शरीफ ज़रूर आइएगा। बिहार शरीफ का हिरण पर्वत यात्रा आपको अवश्य करनी चाहिए। एक ओर जहां पे आपको यहां पे मंदिर देखने को मिलेगा, वैसे दूसरी ओर मकबरा है और यहां पे एक पूरा गांव इस पर्वत पे बसा हुआ है। बिहार सरकार इसको पर्यटन के रूप में विकसित करने का पूरा प्रयास कर रही है। आपको यहां पे देखने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें मिलेगी। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं और इसका इतिहास बताएंगे। उदंतपुरी, जिसे आज लोग बिहार शरीफ के नाम से जानते हैं, यहाँ स्थित बड़ी पहाड़ी नाम से परिचित हिरण्य पर्वत का समृद्ध इतिहास रहा है। भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास इसी पर्वत पर किया था, लेकिन इस पहाड़ी पर बुद्ध से जुड़ी कोई भी स्मृति नहीं है। उत्सुकता से लबरेज बौद्ध भिक्षु यहाँ आते हैं, लेकिन पहाड़ी पर मंदिर एवं मस्जिद के दर्शन कर लौट जाते हैं। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए पहाड़ी पर पार्क, जिम, अतिथिशाला, यात्री शेड, पहुंच पथ एवं सीढ़ियों का निर्माण हाल के वर्षों में कराया गया है। भगवान बुद्ध के अंतिम वर्षावास का स्थान बिहार शरीफ की पहाड़ी ही थी, जिन्हें यात्री फाहियान और होयनसांग के यात्रा वृत्तांत में लिखा है कि राजगीर और गंगा के मध्य निर्जन पहाड़ी पर बुद्ध ने सन 487 से 488 ईस्वी पूर्व वर्षावास किया था। यह पहाड़ी उदंतपुरी नगर में अवस्थित थी, जिसे लोग पार्श्व पर्वती पहाड़ी कहते हैं। होयनसांग ने यहाँ की अवलोकितेश्वर बुद्ध की चंदन निर्मित छोटी एवं अत्यंत सुंदर प्रतिमा का वर्णन किया है। इस प्रतिमा का लंका के राजा ने स्वप्न में दर्शन किया था और पता लगाते हुए यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने प्रतिमा की खोज सोडसोप नामक चार पूजा भी की थी, जिसका होयनसांग ने विस्तृत विवरण दिया है। आपको बता दें कि 750 ईस्वी में उदंतपुरी पर बख्तियार खिलजी ने कब्जा कर लिया तो हिरण पर्वत पर बने बौद्ध विहार को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद 1353 में शासक मल्लिक इब्राहिम बया की मृत्यु हुई तो उसे पहाड़ी पर दफनाया गया और भव्य मकबरे का निर्माण कराया गया, जो आज भी मौजूद है। बहरहाल, इतिहास से वर्तमान में वापस आए तो यह जगह वास्तव में काफी रमणीय है कि यहाँ सारा दिन गुजारा जा सकता है। पहाड़ी पर एक ओर मकबरा तो वहीं दूसरी ओर मंदिर स्थित है। 1353 में शासक इब्राहिम बया की मृत्यु हुई तो उसे पहाड़ी पर ही दफनाया गया एवं भव्य मकबरे का निर्माण किया गया था, जो आज भी यहाँ पर विद्यमान है। पहाड़ी को जल्द ही बुद्ध सर्किट से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, इसके लिए काम स्टार्ट हो चुका है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन सरकार की मदद से भगवान बुद्ध से जुड़े गुमनाम स्थलों की खोज करा रहे हैं। राजगीर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री ने कई दिशा निर्देश भी दिए थे। उसी के आलोक में दो शोध संस्थानों को भगवान बुद्ध से जुड़े स्थलों की जानकारी इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हिरण पर्वत बड़ी पहाड़ी पर भगवान बुद्ध के अंतिम वर्षावास किए जाने का विवरण चीनी यात्री होयनसांग एवं फाहियान की यात्रा वृत्तांत में आपको मिल जाएगा। उसी के मद्देनजर पर्यटकों के लिहाज से हिरण्य पर्वत को विकसित किया जा रहा है और काफी विकास भी हो चुका है। आपने देखा, बिहार शरीफ का यह स्थान एक रमणीय स्थल के रूप में काफी अधिक विकसित है और इस पे देखने के लिए काफी चीज मिलेगी। लोगों की जीवन शैली भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मंदिर है और बिहार सरकार पूरा